हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताता हूँ इंजन ऑयल कैसे चेक करते हैं। बाइक में आप इंजन ऑयल कैसे चेक करोगे, आप ये देख रहे हो। सबसे पहले आपको बाइक को डबल स्टैंड पे खड़ा करना है, उसके बाद आप ये पॉइंट देख रहे हो, इसको आप प्लायर की हेल्प से लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद इसको आप ओपन करो। ओपन करने के बाद ये देख रहे हो, जैसा कि आप स्क्रीन पे ये आपको ऑयल दिखाई दे रहा है। अब चेक कैसे करना है इसको वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसको कपड़े से साफ़ करना है, कपड़े से साफ़ करने के बाद जैसा आप देख रहे हो बिल्कुल क्लीन हो गया। और आपका अगर इंजन ऑयल यहाँ तक आता है, इस पॉइंट तक, तो इसका मतलब है कि आपकी बाइक में इंजन ऑयल बिल्कुल सही है। और ये होता है मिनिमम, ये होता है मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल तक अगर है तो आपको इंजन ऑयल उसमें ऐड करना पड़ेगा या सर्विस करवानी पड़ेगी। अगर यहाँ तक है तो आप सर्विस करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, लेकिन आपकी इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे चेक करते हैं। आपको इसके अंदर इसको रखना है और ऐसे छोड़ देना है, इसको पूरा टाइट नहीं करना है, क्योंकि टाइट करने के बाद हम इंजन ऑयल को एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते। उसके बाद आपने इसको निकालना है। और अब ये आप लेवल देख रहे हो कहाँ तक है, जैसा आप देख पा रहे हो, मतलब इंजन ऑयल बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है। ये चेक करने के बाद आप इसको टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद प्लायर से हल्का सा टाइट कर दीजिए। और ये मैंने आपको बताया है, अगर आपका इंजन ऑयल बार बार कम हो रहा है तो आप सर्विस जब करवाने जाते हैं तो उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। बाकी ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको मैंने बताया है कि इंजन ऑयल कैसे चेक करते हैं, क्योंकि अगर कम इंजन ऑयल रहेगा तो हमारे इंजन में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। थैंक यू टू ऑल।